नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्राम अनवरपुर चंडिका में पानी की टंकी की जगह जगह से पाइपलाइन टूटने के कारण टंकियों में गंदा पानी आने से परेशान ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे ग्रामीण पानी की एक एक बूंद को परेशान है। ग्रामीण राकेश, चरण, पवेंद्र, राजीव, तन्नु, उदयवीर, प्रेम सिंह, बेगराज आदि का कहना है कि कई महीनों से पानी की टंकी का पाइप जगह जगह से टूटने के कारण उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और जिन घरों में पानी आ भी रहा है तो वहां टंकियों से दूषित पानी निकल रहा है, जिससे ग्रामीण पानी की एक एक बूंद से परेशान है, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने उच्चाधिकारियों से गांव में पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। इस संबंध में जेई शुभम सक्सेना का कहना है कि लीकेज आदि के कार्य ग्राम प्रधान को सौंप दिया गया है। वहीं ग्राम प्रधान रामनाथ सिंह का कहना है कि शीघ्र ही ग्रामवासियों की समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। हमारे यहाँ चंडका में पानी लगभग 100 लोगों के तरफ से पानी नहीं जा पा रहा, और कई बार शिकायत करने के बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद प्रधान जी से भी कई बार कहा, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा और कोई सिचुएशन नहीं है। पानी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। टंकी किसके हैंड ओवर है? प्रधान जी। बिल दे रहे हो? हाँ, बिल पहले दिए 2-3 महीने, उसके बाद पानी नहीं आया तो नहीं बिल दिया। मैं विजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम अनवरपुर चंडिका से। यहाँ पर टंकी की बहुत समस्या है साहब, पानी नहीं आ रहा हमारे पहाड़ के मोहल्ले में बिल्कुल भी। पिछली बरसात में आया था, इस बार बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, और बहुत दिक्कत है पानी की। स्वच्छ पानी के लिए टंकी लगी थी, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, परेशान है, बीमार पड़ रहे हैं, पानी गंदा पानी पी के टंकी में पानी नहीं आ रहा।